गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। और प्रोग्राम की शुरुआत में क्या है और प्रोग्राम में है क्या वो आपने देख लिया इस कमेंट में। जी हाँ, ये कमेंट, ये स्टोरी हमने की है मोहम्मद शमी के एक्सीडेंट पर, जिसमें एक यूजर है जिनका नाम उमर खय्यम है, उन्होंने ये बयान दिया है कि हसीन जहां की वजह से मोहम्मद शमी हादसे के शिकार हुए हैं और कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी के खिलाफ साजिश की गई है, ये भी इनका कहना है। इसके अलावा और भी कमेंट हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सब ने कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी की सलामती की दुआ की है। साथ ही हसीन जहां को लेकर कहा है कि हसीन जहां इस केस की जिम्मेदार हो सकती हैं, इस हादसे की जिम्मेदार हो सकती हैं। ये देखिए, प्रेम कुमार नाम के यूजर हैं, उन्होंने लिखा है इट मे बी क्रिमिनल अटैक बाय हसीन साइड, हादसे की जाँच होनी चाहिए, भगवान अहिरवार है, उन्होंने कहा है, और अल्लाह समी भाई को जल्दी ठीक करें। ये चंदू बाबू हैं, चांद बाबू हैं, उन्होंने ये कहा है, और अल्लाह आपकी हिफाजत रखे, मोहम्मद इरशाद हैं, उन्होंने ये बात कही है। आपको जनसत्ता दिखाऊंगी मैं यहाँ पर, देखिए मोहम्मद शमी की कार का एक्सीडेंट, ट्विटर यूजर्स बोले हो सकता है साजिश हो, यानी कि कुल मिलाकर मोहम्मद शमी का जो एक्सीडेंट हुआ है आज, उसके खिलाफ हसीन जहाँ की साजिश की बात कही जा रही है, उसको इस बात से कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में बीते दिनों हसीन जहां ने स्टेटमेंट दिया था कि मोहम्मद शमी को पीट सड़क पर पीटना चाहिए, और अगर मैं पीटूं तो सबको मेरे साथ आकर साथ देना चाहिए कि मोहम्मद शमी को सबको मिलकर पीटना चाहिए, उसके बाद ये हादसे का शिकार हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले फेसबुक पर हसीन जहां ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और उन्होंने बकायदा कहा है कि अब मोहम्मद शमी ने लड़कियाँ नहीं उनके लड़कों से भी संबंध है, ये उन्होंने बकायदा उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है, उसके बाद से चीज़ें सामने आई हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी एडविन सर, एडिटोरियल हेड हैं वो मौजूद हैं, और अभिलाष पांडे मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगी, जो इस तरह से कमेंट आपने देखे, आपने भी देखे, आपको क्या लगता है वाकई जो साजिश है हो सकती है? देखिए, एक कहावत है कि जब बुरा वक्त हो तो ऊँट पे बैठे शख्स को भी कुत्ता काट जाता है। मुझे लग रहा है कुछ वैसा ही है। देखिए, साजिश है या नहीं है तो अभी दूर की बात है, क्योंकि अभी हम लोग कन्फर्मेशन नहीं है इसमें कि ये वाकई किस वजह से हुआ है, लेकिन जिस तरह की खबर सामने आई है कि उनकी गाड़ी जो ट्रक से टकरा गई और इस तरह से हादसे का शिकार हो गए, कई टाँके उनके आए हैं। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं गायत्री जी, मैं जो सोच रहा हूँ कि IPL कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, उनको क्लीन चीट मिली है खेलने के लिए, भी आप खेल सकते हो IPL, ऐसे में क्या दिल्ली को बड़ा झटका लग सकता है, ये मेरे ख्याल में सोचने वाली बात है। हाँ, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हो, कुछ यूजर्स ऐसा मान रहे हैं कि भाई ये साजिश भी हो सकती है, ये कहीं ना कहीं किसी की साजिश का शिकार भी हो सकते हैं शमी, और जिस तरह वाइफ को लेकर लगातार जो बातें सामने आ रही हैं कि हसीन जहां लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही है और तमाम अनाप शनाप बातें भी कर रही हैं, हालांकि वो कितनी सही है कितनी गलत है ये भी एक जाँच का विषय है, लेकिन हाँ, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं शमी के, वो जरूर इसको करेक्ट करके देख रहे हैं। सर, आपसे एक बात, मैंने अभी शुरुआत में इंट्रो में एक बात बोली थी उनके संबंधों को लेकर, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हसीन जहां एडेड टू न्यू फोटोज 5 आवर अगो, मेरे पति देव की पसंद, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, बड़े इज्जतदार हैं, देश का स्टार, ये आप देख सकते हैं तस्वीर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये तस्वीर आपको क्या लगती है, किसी लड़के की है या किसी लड़की की तस्वीर है? गायत्री जी, पूरा अगर आप मामला देखें, मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है, यूँ कहूँ कि जिस तरह से उन्होंने पहले आरोप लगाए कि भाई शमी एक फिक्सिंग में पूरी तरह इन्वॉल्व है और बहुत सारी बातें उनको लेकर कहेंगे, लेकिन देखिए जब क्लीन चिट उनको मिली है खेलने के लिए, भी उसने बोला है कि भाई आप IPL खेल सकते हो, तो ऐसे में एक और हसीन जहाँ जो है वो पैंतरा लेकर आई हैं कि सिर्फ लड़कियों से संबंध नहीं है, लड़कों से, मतलब तमाम तरह की बातें वो एलिगेशन ऐसे लगा रही हैं, तमाम तरह के आरोप ऐसे लगा रही हैं, जो मेरे ख्याल में एक उतावला नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अभी जाँच का विषय है, इस पर भी जाँच हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन अनाप शनाप आरोप जिस तरह से वो लगा रहे हैं बिना कोई सिर पैर के, बिना कोई सबूत उनके पास उतने पुख्ता नहीं जिसके बिना पर वो ये कह सकें, साबित कर सकें, और सिर्फ बातों ही बातों में सारी बातें हो रही हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगी, साजिश को लेकर जिक्र किया जाए, हो सकता है ये प्यार हो मोहम्मद शमी के लिए, उनको चाहते हैं और जिस तरह उनकी जिंदगी में इस टाइम उतार चढ़ाव चल रहे हैं, अधिकतर अगर उनके पक्ष की बातें कही जाए, बहुत से लोग उनके समर्थन में सामने आए, हसीन जहां के खिलाफ तो बहुत से लोग हैं, देखिए बिल्कुल साजिश भी हो सकती है क्या? अभिलाष जी, हम देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में इतना बेहतरीन गेंदबाज मिलना और बहुत बड़ी बात है इंडियन टीम के लिए कि इस तरह का गेंदबाज मिलना, जो साउथ अफ्रीका में देखा लास्ट टेस्ट में, जिसने बॉलिंग की जिताया टेस्ट मैच, तो बहुत उनके ऊपर एक उम्मीदें हैं इंडियन क्रिकेट की, और ऐसे में उनका आना इस सब चीज़ों को लेकर और अब एक्सीडेंट हो जाना, तो मैं तो क्षति देखता हूँ एक तरीके से, अगर वो IPL में कुछ मैच नहीं खेल पाते, दिल्ली के लिए भी बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो। हमेशा से ये रहा है कि IPL का इतिहास रहा है कि जिस भी टीम के डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं वो टीम IPL जरूर जीतती है, हम शुरुआत से ही देखते हैं।
यहाँ पर दिल्ली की जो गेंदबाजी है वो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी के इर्द गिर्द बिल्कुल है। दूसरी बात गायत्री जी, जिस तरह की जो ये जो चैट सामने आई है, जो इनका कहना है हसीन जहां का, हो ये भी सकता है कि भाई इतने बड़े क्रिकेटर हैं, फैन फॉलोइंग होती है, बिल्कुल तो होती है। हर किसी का एक अपना स्टाइल है। विराट कोहली का स्टाइल है इंस्टाग्राम पर आकर लोगों से चैट करना, तो हो सकता है कि मोहम्मद शमी ने एज अ कैजुअली अपने फैन को एक रिप्लाई कर दिया हो। ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हसीन जहां मोहम्मद शमी के को तो बर्बाद ही करना चाहती है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ACU एंटी करप्शन यूनिट जो है, नीरज कुमार जी खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने इस बात की जांच की है और वो एक ऐसे शख्स हैं, उन्होंने 2014 के बॉल टैम्परिंग विवाद का भी पर्दाफाश किया था, उसमें कई इंडियन क्रिकेटर्स के भी नाम सामने आए थे। तो अगर उस शख्स ने इनको क्लीन चिट दी है, दैट मीन्स कि शमी फिक्सिंग में शामिल नहीं थे। हाँ, कई लोगों का ये कहना है कि भाई शमी ने अपने जो बाकी लड़कियों से जो चैटिंग की बातें हैं वो कबूली है, हालांकि अभी ये बात कन्फर्म नहीं हुई है। लेकिन अगर हसीन जहां ये जो डिमांड कर रही है कि भाई BCCI की जो जांच है आप उसको सार्वजनिक कीजिए, ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई चीजें होती हैं कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि ICC की भी पैनी नजर रहती है कि भाई ये अपने प्लेयर को तो नहीं बचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं BCCI ये चीज नहीं कर सकती है। देखिए अभिलाष जी, बिल्कुल आप, मैं थोड़ी बात बढ़ाना चाहता हूँ इसमें कि देखिए इतना बड़ा स्टार है और जिस तरह की बात निकल कर सामने आ रही है कि देश का स्टार इतना बड़ा इज्जतदार है, तुरंत वो उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा रही है, मुझे लग रहा है झुंझलाहट है, एक गुस्सा है। और अमूमन देख रहे हैं कि फैंस का या लोगों का जो सपोर्ट है वो शमी के लिए ज्यादा है, हसीन जहां की तुलना में अगर बात करें तो, क्योंकि वो कोई चीज को प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, यूं ही कोई चैट लेकर आ रही है, अनाप शनाप बात कर रही है, जो शायद चैट उतनी पता नहीं कि ऑथेंटिक है भी या नहीं, ये भी एक अलग विषय है। लेकिन वो मुझे झुंझलाहट में ये सब कर रही है और लगातार इस तरह की बातें कर, जो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा स्टार है, बड़ा नाम है उनका, अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो आपने खुद पुलिस केस कर रखा है, वो सारी जांच में निकला सामने आ जाएगा। को ये नहीं लगता जो हादसे के शिकार आज हुए हैं उससे पहले ये तस्वीर सामने आई है और खबर पहले आई है, तो क्या लगता है कि इसका भी कुछ कनेक्शन हो सकता है? मेंटली वो जो कह रहे थे कि गुस्सा सारा मैदान पे निकालूंगा, अब यहाँ पर हसीन जहां जो है ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात कर ली है, तो उन्हें वहां पे चुप बैठ जाना चाहिए था ना कि अब कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन वो लगातार आरोप पे आरोप आरोप पे, कब तक इंसान सहेगा? ये बात मैं कई बार कह चुका हूं गायत्री जी, मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मोहम्मद शमी के केस में 1% भी दम होता तो कोलकाता पुलिस मोहम्मद शमी को आसानी से गिरफ्तार करती। दूसरी बात यह है कि जो हादसे का जो शिकार हुए हैं, हो सकता है कि परेशान रहे हों, क्योंकि किसी भी क्रिकेटर के लिए फिक्सिंग का जो चार्ज होता है एक तरीके से वो साबित हो जाता है आरोपी। हालांकि मोहम्मद शमी की यहाँ पर किस्मत अच्छी थी कि उनको बहुत जल्दी क्लीन चिट मिली, क्योंकि 28 अप्रैल को IPL की गवर्निंग काउंसिल को BCCI को रिपोर्ट करना था, इस वजह से मोहम्मद शमी के केस में थोड़ा सा तेज तर्राहट दिखाई गई। तो कहीं ना कहीं क्रिकेटर के रूप में मोहम्मद शमी के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि हर सिर्फ एक जगह प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, गाजियाबाद में की उन्होंने प्रैक्टिस, उत्तराखंड में, देहरादून में कई जूनियर प्लेयर्स के साथ की, तो वो भी अपने माइंड को जो है फ्रेश कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा हमारे इंडियन प्लेयर्स की स्ट्रेटेजी रहती है कि भाई थोड़ा परेशान है तो ये टूर करते हैं, चाहे आप विराट कोहली ले लीजिए, कई तरह के स्टार्स ले लीजिए, अब इन चीजों में या समय खराब है, ये बात तो साफ है कि मोहम्मद शमी जो है परेशान तो रहे होंगे, मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है, और ये बात भी पड़ता है, बात हमने उनके कई इंटरव्यूज में भी देखी। हाँ बिल्कुल, और देखिए शमी के बारे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल साउथ अफ्रीका के बाद और IPL ठीक पहले जिस तरह की सारी बातें सामने आई है तो डिस्टर्ब तो जाहिर बात है वो रहे हैं, और पूरा जिस तरह देखने को मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि बहुत तनाव में इस समय गुजर रहे हैं वो, और उसी समय ये इस तरह का हादसा हो जाना, बिल्कुल उनके जो फैंस है चाहने वाले हैं वो जरूर जुड़कर देखेंगे, क्योंकि लगातार हसीन जहां की तरफ से बातें हो रही हैं। मानते हैं साजिश, मान लीजिए जो फैंस हो तो कहेंगे साजिश होगी क्योंकि वो के समर्थन में है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब हो, गाड़ी अभी ये भी नहीं पता चला गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे या उनका ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, इस बात की भी जानकारी नहीं है, कहा जा रहा है कि ट्रक ने टक्कर मारी है, तो कहाँ पर दिमाग था, क्या वो सोच नहीं पा रहे, अगर वो खुद ड्राइव कर रहे थे तो, अगर ड्राइवर की गलती है तो उसमें चलिए नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वो खुद ड्राइव कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये है कि उनके पर भी मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो क्या इसका असर खेल पर नहीं पड़ेगा, क्या वाकई वो खेल पाएंगे बेहतरीन तरीके से IPL? देखिए अब यहाँ से करीब मुझे लगता है कि 14 से 15 दिन का समय काफी, उससे भी कम है, 7 अप्रैल से IPL शुरू होना है, 8 अप्रैल को दिल्ली का मैच है, बहुत कम चांसेस है कि शुरुआती के 2 या 3 मैच खेल पाएंगे मोहम्मद शमी, क्योंकि करीब टांके आने के बाद जिस तरह से पता लग रहा है कि 10 से 12 टांके आए हैं तो रिकवर होना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर
शमी को रिकवर भी होना है, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी, क्योंकि जो एक फिटनेस टेस्ट जो होता है ये आज गुजरना पड़ेगा, बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात अभिलाष की एक और बात की दिल्ली इस समय एक बार फिर बनने की कोशिश कर रही है, कि गौतम गंभीर के आने के बाद से लगा था कि टीम शमी और इस तरह प्रबल दावेदार में संबंध है, ऐसे में बड़ा झटका हो सकता है टीम के लिए भी शमी का इस तरह से इंजर्ड होना। और मेरे ख्याल में हादसा किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है, ये अभी जांच का विषय, लेकिन मेरे जो नजर में दिल्ली इस समय थोड़ा जरूर गौतम गंभीर खासकर थोड़ा परेशान जरूर होंगे शमी की इस तरह की चोट को लेकर, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बहुत बड़े फाइटर हैं शमी और इस चोट से जल्दी उभरेंगे और वापस टीम में आएंगे। जी, गौतम गंभीर तो फिलहाल उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है सबब, लेकिन खुद ये मोहम्मद शमी के लिए इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि क्रिकेट करियर उनका दांव पे लगा था, संजीवनी बूटी मिली थी जब एसीयू की रिपोर्ट सामने आई उनकी, वो उनको क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन अब जैसे वो हादसे का शिकार हुआ उन्होंने भी खुद नहीं सोचा, तो इस वक्त अगर इंसानियत के लिहाजे से भी देखा जाए तो इस वक्त उनके सितारे बहुत ही ज्यादा गर्दिश में है। हाँ बिल्कुल, गर्दिश में तो है, क्यों अभिलाष, क्योंकि जिस तरह से हम पूरा ये वाक्य देखते हैं तो लगता तो है कि गर्दिश में तो है, लेकिन देखिए बड़ा खिलाड़ी बड़ा आदमी वही होता है जो इन चीजों से ऊपर उठे और अपनी जो चीजें उसको मिली है उसका सही उपयोग करे, मैदान पर वापसी करें, खासकर मैं शमी के लिए कहना चाहूंगा, और सारी चीजों को गलत साबित करते हुए अपना एक जो मकाम उन्होंने बनाया है उसको आगे लेकर चले। क्रिकेट के बहुत अच्छे जानकार है तो आपको पता है कि खुद की अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो यहाँ से भी इंसान का संतुलन बना रहना चाहिए, जब यहाँ इंसान परेशान होगा तो शायद वो सही से बॉलिंग भी नहीं कर पाएगा, शायद वो सही से अपने क्रिकेट को नहीं खेल पाएगा कि जो उसे खेलना चाहिए होगा। देखिए ये चीज तो गायत्री जी, ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ, कई प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ कि जिस तरह के ट्वीट्स और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, साफ तौर पर मोहम्मद शमी को बदनाम करने की बातें आई हैं, क्योंकि अगर 1% भी ऐसा होता कि भाई आज यहाँ पर मोहम्मद, क्योंकि घरेलू हिंसा का एक ऐसा विवाद है जहाँ पर आप फंसते हो, तो आपको पुलिस जो है तुरंत ही गिरफ्तार कर सकती है। अगर ऐसी बात थी, कोलकाता पुलिस अमरोहा जाकर मोहम्मद शमी से पूछताछ करके आ गई है, उसके बाद भी कोलकाता पुलिस ने मोहम्मद शमी को गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अब पहले हसीन जहां ने ये कहा कि भाई मुझे क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, आज आप ये कहती हैं कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो शाहिद के साथ किया आप वो शमी के साथ कीजिए। शाहिद की फुटेज क्लियर सामने थी जब उन्होंने अपनी वाइफ को जो भी हिंसा के रूप में उन्हें देखा गया, उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया। यहाँ पर बीसीसीआई का साफ तौर पर कहना है कि अगर शमी पर आरोप साबित हो जाते हैं तो बीसीसीआई वैसे भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर, बिल्कुल, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आसपास के जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह, बिल्कुल, आप गायत्री जी शायद एक बात को और यहाँ बात कर सकते हैं कि पारिवारिक अगर हम हसीन जहां की तरफ देखें तो कोई बहुत मजबूत पक्ष नहीं नजर आ रहा है, उनके पिता भी कहने के सपोर्ट में पूरी तरह नहीं है, तो ये एक बड़ा यूं कहें कि शायद बदनाम करने की साजिश हो सकती है। अभिलाष जी, अरविंद सर, यहाँ पे कुल मिलाकर तो यही हुआ ना कि जो वो चाहते थे कहीं ना कहीं उससे थोड़े दूर, हालांकि आईपीएल खेलेंगे वैसा नहीं, डॉक्टर की अगर उनके रिपोर्ट सामने आएगी तो देखा जाएगा वो कब तक आईपीएल खेल पाएंगे, लेकिन जैसा कि अभिलाष जी ने कहा कि अभी फिलहाल उनके लिए शुरुआत का मैच खेलना बहुत मुश्किल है, कुछ 10 टाके लगे हैं और फिर फिट भी होना है, तो कहीं ना कहीं वो जो सपना था कि मैं आईपीएल में अच्छे से परफॉर्म करूंगा वो तो कहीं ना कहीं तो वो तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे अभिलाष, लेकिन हाँ शुरुआती मैच में अभिलाष खुद बता रहे हैं कि 2-4 मैच हो सकता है वो ना खेल पाए, तो झटका तो है, और ऐसे में अपने आप को दोबारा मैदान पर आना, साबित करना, फिटनेस टेस्ट से गुजरना और उन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना तो कोई आसान काम नहीं है। जी वाकई एक तगड़ा झटका है मोहम्मद शमी के लिए, और आईपीएल को लेकर उनके फैंस उनका इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब उन्हें मोहम्मद शमी की वही बॉलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल आज वो हादसे का शिकार हो गए हैं, और ऐसे में सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि वो साजिश का शिकार हुए हैं, हसीन जहां इसके जिम्मेदार हैं, तो वहीं कुल मिलाकर अभी फिलहाल उनके लिए बहुत ज्यादा सितारे जो है उनकी गर्दिश में है, उनके लिए बहुत मुश्किल समय है, तो ऐसे में उनके चाहने वाले बस यही सोच रहे हैं कि बस उनकी जो है जल्द से जल्द वो रिकवरी करें और फिर से मैदान पर नजर आए। तो दर्शकों आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर से एक अहम मुद्दा जो जुड़ा होगा भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी से हम लेकर आपके सामने आएंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।